नमस्कार, द ग्रेट इंडियन टेस्ट डॉट कॉम में आपका स्वागत है। साबुदाना वड़ा बहुत ही प्रचलित भारतीय स्नैक्स है जो कि व्रत के दिनों में खाया जाता है, खास करके नवरात्रि, महाशिवरात्रि, एकादशी जैसे व्रतों में बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं साबुदाना वड़ा। इसके लिए हमें 1 कप भिगोया हुआ साबुदाना, 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली के टुकड़े, 2 बड़े उबले आलू, कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच जीरा और नमक या सेंधा नमक स्वाद अनुसार लगेगा। मैंने साबुदाने को 15 से 20 मिनट पहले 1/4 कप पानी में भिगो के रखा था। पहले हम 1 कटोरी में उबले आलू लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब मैश किए हुए आलू पर भिगया हुआ साबुदाना डालेंगे। अब इसमें भुना हुआ मूंगफली के टुकड़े डालेंगे और इन सबको इस तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हरा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, नमक, बेकिंग सोडा, और जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। साबुदाना पानी में भीगने के बाद मात्रा में डबल हो जाता है। अब हम बड़ा बनाएंगे। इसके लिए पानी में हाथों को भिगो लेंगे और साबुदाने के मिक्सचर को हाथ में लेकर बड़े का शेप देंगे। इस तरह से बड़े तलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और एक एक करके सारे बड़े को तेज आंच पर तल लेंगे। ध्यान रहे बड़े जलने न पाए। इस तरह से बड़े को पलट पलट कर दोनों साइड से हल्का लाल होने तक तल लेंगे। इस तरह से गर्मा गर्म साबुदाने के वड़े तैयार हैं। इसे टमाटर सॉस के साथ परोस सकते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए अपना फीडबैक हमारा साइट या सोशल मीडिया पेजेस पर। धन्यवाद।